वेल ये मेरी दूसरी सीजन है, ये तीन तो चार सीजन कर चुके हैं तो ये तो वेटरन्स है. हाँ इन लोग काफ़ी मुझे मिस किए दो सीजन पहले तो, बट आई एम हियर एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम. बहुत बहुत मज़ा आया. आई थिंक हम साथ मिलकर जब काम करते हैं तो आई थिंक एक अलग एक सिनर्जी है, एक बहुत अच्छा एनर्जी है हमारे बीच में. एंड आई थिंक एंड दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट. एंड आई थिंक इस बार आई थिंक हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप कोई शो करें कि हर सीज़न पिछले सीज़न से बेटर होना चाहिए. आई कैन ट्रूली एंड कॉन्फिडेंटली से कि वाकई सीज़न 4 इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द सीज़न. इट्स द बिगेस्ट सीज़न. सो हम सब बहुत खुश है कि इस बार हम काफ़ी कुछ अलग हमने अटेम्प्ट किया. एंड आई थिंक ऑडियंसिस को बहुत अच्छा लगा. ओके, ऐसे एक चीज़ जो बहुत ही अलग करेगी सीज़न 4 को एज कम्पेयर टू पहले के तीन सीजन. आपने देखा नहीं प्रोमो? आप सो रहे थे? नहीं पर देखो ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारे जो मॉडल्स हैं सिर्फ रैंप चल रहे थे या बैठ के सिर्फ लिपस्टिक लगा रहे थे या सिर्फ बाल बना रहे थे. दैट्स नॉट द होल पॉइंट ऑफ द सीजन. द सीजन इज वेरी डिफरेंट. वी मेड देम डू सम डेथ डिफाइंग स्टंट्स एंड नॉट बिकॉज हमको लगा कि नहीं चलो स्टंट्स करवाते. नहीं, वी गेव देम सिचुएशंस व्हिच वर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम everyday life and they performed it like true professionals. extreme shoots karte hain jaise hum jaise koi crazy photo shoot hoga. aise nahi hai ki life mein nahi karte hum, aise walk karte hain ya aise situations kabhi kabhi shoots mein hote hain. aise nahi hai ki it's just doing it for the task basically. No, go ahead. aur is baar ka season jo hai usme jis tarah ke contestants aaye hain, जिन जिन सिटीज से आए हैं, जिन जिन फैमिली से आए हैं, कुछ बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आए हैं, कुछ ओपन माइंडेड फैमिली से आए हैं, कुछ छोटे शहरों से आए हैं, जिस तरह से उन सबको वी हैव गॉट देम ऑल ऑन वन लेवल एंड देन मेंटोर देम टू अनदर लेवल इज समथिंग दैट इज टू बी वॉच आउट फॉर. आई मीन लुक आउट फॉर इट बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ देयर लाइव्स. जो बिफोर एंड आफ्टर है ना, ट्रांसफॉर्मेशन इतना मतलब बड़ा है. इट्स अमेजिंग. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज दैट हमारा ग्रैंड फिनाले सिंगापुर एक ड्रीम क्रूज लाइन में है एंड यू डोंट वांट टू मिस दैट. इट्स अमेजिंग. आपने कोई स्पेशल टिप्स दी है कोई कंडीशन को? क्योंकि प्रीवियस सीजन में जो भी थे कंडीशन उन्होंने कहा था कि मलाइका मैम और जो भी अनुषा जी ने जो भी दिया है बहुत ही, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. हम सब काफी स्ट्रिक्ट है. मैं डांटती हूँ लेकिन मैं प्यार भी करती हूँ, मैं गले भी लगाती हूँ. सो इट्स नॉट दैट आई एम ओनली शाउटिंग ऑफ दिस, बट आई थिंक टिप्स देना बहुत ही ज़रूरी है. एंड आई थिंक हम सब के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस में ताकि हम बोल सकें. ये नहीं कि हम पहली बार टीवी पे बैठ के मॉडल्स के सामने बस बता रहे कि नहीं ऐसे चलो या ऐसे करो. वी ऑल हैव इनफ एक्सपीरियंस टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद द कंटेस्टेंट्स. सो येस, आई हैव told them a lot of things right from कैसे बैठना है या कैसे खड़े होना है या कैसे चलना है या कैसे बस बेसिक थिंग्स यू नो, या सिर्फ कि हर बात पर रोना भी नहीं चाहिए. दैट्स ऑल्सो नॉट असेंशियल यू नो, कि कभी कभी स्ट्रांग भी होना चाहिए बिकॉज आगे जब जाओगे लाइफ में या बाहर के दुनिया में जब आप काम करोगे तो हर बात के लिए आप रो भी नहीं सकते हो ना, कि यू हैव टू बी स्ट्रांग. तो हमने वो भी बताया. सो इट्स वी वर्कड ऑन देयर पर्सनालिटीज आल्सो, यू नो, कितना स्ट्रांग होना चाहिए इस सब सिचुएशंस में. एंड आई थिंक लाइक मलाइका सेड, यू नो, वी ऑल फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स, सो एवरी पर्सन हैड अ रोल टू प्ले. एंड हमारा पैनलिस्ट, आई मीन, वी जस्ट हैव द बेस्ट टाइम, वी आर अमेजिंग. एंड जब तक वो शो पे होते हैं वी ऑल एंड अप बिकमिंग मोर लाइक देयर शो गार्डियंस. रिमेंबर मलाइका, वी डिस्कसिंग दैट डे, अगर हम आपको कुछ सिखा रहे हैं तो हम आपको प्यार से सिखा रहे हैं. एक बार सिखाया, दो बार सिखाया, तीन बार सिखाया, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो हमें पूरा हक बनता है कि हम आपको थोड़ा डांट के भी, क्योंकि शो खत्म होने के बाद अगर हम आपको नहीं डांटे होंगे ना तो आपको ही बुरा लगेगा कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं. ये शो एक बहुत ही एस्पिरेशनल शो बन चुका है. गर्ल्स हु आर वाचिंग एट होम आल्सो विल गेट इंस्पायर्ड एंड एस्पिरेशन, उनको भी होगा. ऐसे नहीं है कि जो खाली जो लड़कियां उधर शो में थे वही समझ रहे हैं. इट्स बेसिकली फॉर एवरीवन टू वॉच एंड अंडरस्टैंड एंड लर्न. एग्जैक्टली. ओके मैम, फाइनली कल शो एयर हो रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे ऑल एस्पायरिंग मॉडल्स? वॉच इट 7 PM एवरी सैटरडे ऑन MTV इंडिया. यू विल मिस समथिंग ग्रेट इफ यू डोंट वॉच इट. ये हम सब 7 PM एवरी सैटरडे ओनली ऑन MTV इंडिया.